हेलो स्टूडेंट, यू आर वेलकम इन अवर इंग्लिश क्लास। आई एम माधुरी भारद्वाज, आई एम योर इंग्लिश टीचर। टुडे वी विल स्टार्ट अवर पोएम। पोएम इज विंड। ये पोएम लिखी है सुब्रमण्यम भारती ने। उन्होंने विंड के ऊपर से, जो नेचुरल है उसके ऊपर से लिखा है कि विंड ब्लोस स्ट्रांगली। जो विंड है एकदम बहुत तेजी से स्ट्रांगली आती है, कॉजेज अ लॉट्स ऑफ डिस्ट्रक्शन। और वही कारण बनती है, बहुत सारा डिस्ट्रक्शन भी कर देती है। मतलब जब बहुत तेज़ी से आती है तो वो विनाश का कारण भी बन जाती है। एंड हाउ कैन वी मेक द फ्रेंड विद इट। हम उसके साथ फ्रेंडली कैसे हो सकते हैं। इस मैटर के ऊपर उन्होंने क्या लिखा है पोएम में, हम देखते हैं। विंड कम सॉफ्टली। जो विंड है वो धीरे धीरे आती है। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो। अब वो कहती हैं कि तुम आओ तो धीरे धीरे, बट जो विंडो है उसकी शटर बिल्कुल भी मत तोड़ना। डोंट स्कैटर द पेपर्स। और जो पेपर हैं उनको भी मत फैलाना। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ। और जो सेल्फ के ऊपर जो बुक्स रखी रहती हैं उन बुक्स को भी तुम मत फेंकना, क्योंकि जब तेज़ी से आती है तो सारा सामान भी गिरा देती है। देयर लुक व्हाट यू डिड। देखो तो तुमने क्या कर दिया है। यू थ्रो देम ऑल नाउ। तुमने सारी चीज़ें नीचे फेंक दी हैं। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स। तुमने बुक के सारे पेजेस तोड़ दिए हैं। यू ब्रॉट रेन अगेन। और तुमने ही बारिश को लेकर आई हो, क्योंकि जब बहुत तेज़ बारिश होती है तो तब जब बहुत तेज हवा चलती है तो वो बारिश को भी ले करके आती है। यू आर वेरी क्लेवर। तुम तो बहुत चतुर हो। इट द वर्किंग फन विद द वीकनिंग। मतलब कि तुम एकदम तेजी से आती हो, एकदम पुश करते हुए आती हो, पॉइंट आउट करते हुए आती हो। फ्रेंड क्रमलिंग हाउसेज। मतलब जो वीक हाउस होते हैं उनको गिरा देती हो। एंड द क्रमलिंग डोर्स। जो वीक दरवाजे होते हैं उनको तोड़ देती हो। एंड क्रमलिंग राफ्टर। और राफ्टर को भी तोड़ देती हो। एंड द क्रमलिंग वुड्स। लकड़ी है उनको भी गिरा देती हो। एंड क्रम्बलिंग बॉडीज। और कुछ जो वीक बॉडी होती हैं उनको भी तोड़ देती हो। एंड क्रम्बलिंग लाइफ। कई बार तो लाइफ भी खराब कर देती हो। क्रम्बलिंग हार्ट। कई बार हार्ट भी तोड़ देती हो, मतलब ब्रेक कर देती हो। द विंड गॉड विनोस। द गॉड विनोस एंड द क्रश देम ऑल। ही वॉन्ट टू व्हाट यू टेल हिम। मतलब कि तुम जानती हो कि तुम्हें क्या कह रहे हैं। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम। इसीलिए हमें जो होम है वो भी कैसा बनाना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होम बनाना चाहिए, ताकि जो हवा है उससे भी वो टूटे ना, गिरे ना। लेट्स जॉइन द डोर फैमिली। और जो दरवाजे हैं चलो उन दरवाजों को भी हमें स्ट्रांगली बनाएं। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी। हमारी बॉडी को भी हम उसी टाइप की प्रैक्टिस दें कि हम स्ट्रांग बने रहें, किसी प्रकार की जो विंड है उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सके। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट। और जो हमारा हार्ट है हम उसको भी स्ट्रॉन्ग करके रखें। डू दिस एंड द विंड विल फ्रेंड विद अस। ऐसा करो जो विंड है वो भी हमारे साथ में फ्रेंडली हो जाएगी, क्योंकि हमें थोड़ा सा स्ट्रांग बनना पड़ेगा। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर। जो विंड है वो हमको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड। उसकी जो फ्रेंडशिप है वो है तो अच्छी। वी प्रैक्टिस हिम एवरी डे। हम स्ट्रॉन्ग बनने की जो प्रैक्टिस है हम एवरी डे कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी पोएम यहीं फिनिश होती है। सुब्रमण्यम जो भारती थी उनका जन्म 1882 में हुआ था और उनकी डेथ 1921 में हुई थी। वो एक बहुत तमिल की जानी मानी पोएट थी। इसके बाद में जो फेमस फॉर द पेट्रियोटिज्म, जो कि देशभक्ति के लिए जानी मानी जाती हैं। इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा। मतलब जो हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था तब इन्होंने, जो प्री इंडिपेंडेंट एरा, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उसके पहले के समय को प्री इंडिपेंडेंट एरा कहा जाता है। तो प्री इंडिपेंडेंट एरा में उन्होंने देशभक्ति के लिए बहुत सारी पोएम्स लिखी थी, इसीलिए उनका नाम आज भी हम लोग बहुत आदरपूर्वक लेते हैं और हम उनको जानते हैं। और ये ए के रामानुज
कैसे ट्रांसलेट की गई है। ए के रामानुज इज अ कन्नड़ एंड द इंग्लिश पोएट। जो ए के रामानुज जो हैं वो एक इंग्लिश पोएट हैं, वेल नोन फॉर हिज ट्रांसलेशन, जो कि ट्रांसलेशन के लिए जाने माने जाते हैं, मतलब वो ट्रांसलेट करते हैं। क्लासिकल ऑफ द मॉडर्न पोएट्री। वी हैव कंप्लीटेड टुडेज अवर दिस पोएम एंड इसमें वर्ड मीनिंग हम देखेंगे। द पॉकिंग फन मतलब मेकिंग फन ऑफ, राफ्टर्स मतलब स्लोपिंग बीम सपोर्टिंग अ रूफ, मतलब ऐसा स्लोपिंग जो एरिया होता है उसे कहते हैं। एंड वी नो द ब्लो ग्रेन ट्री। इट्स इनफ फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू सो मच।